जैसे कि आपको बता रहे हैं कि दिल्ली टू महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले लिए हैं। महाराष्ट्र के बारे में आपने जान लिया, बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली सरकार की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। 5 जजों की खंडपीठ का फैसला सुनाते वक्त CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे में प्रशासन की वास्तविक शक्ति चुनी हुई सरकार के हाथों में होती है, प्रशासन पर दिल्ली सरकार का कंट्रोल हो। बेंच ने दिल्ली भले ही केंद्र शासित प्रदेश हो पर इसे अधिकार है जमीन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी मसलों पर कानून बनाने का। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है, सुन लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, मुझे लगता है आज के माहौल में सदियों तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को याद रखा जाएगा। आज देश को एक बहुत बड़े नायक के रूप में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी मिले हैं और मैं दिल्ली की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बेंच के अंदर जो 5 न्यायाधीश हैं, उन 5 न्यायाधीशों का हम लोग दिल्ली की जनता की तरफ से धन्यवाद करेंगे। मुझे लगता है आज दिल्ली की जनता सुप्रीम कोर्ट के आगे नतमस्तक है और ये जो हक दिल्ली की जनता का केंद्र ने छीना था वो हक आज वापस मिला है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र की मोदी सरकार को ये एक जबरदस्त तमाचा है और उनको दिल्ली की जनता का हक चोरी करने के लिए, झूठ फरेब से लूटने के लिए आज एक बहुत करारी सजा मिली है और मैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया है, सुन लेते हैं। आज 8 की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्पष्ट फैसला दिया है कि जिनको जनता चुन के भेजती है उनके फैसले ही दिल्ली में मान्य होंगे। तो जब जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है तो अरविंद केजरीवाल जी निर्णय लेंगे, दिल्ली की जनता के बिहाफ पर निर्णय लेंगे। और इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। आज जो कोर्ट का डिसीजन था 5-0, मतलब यूनानिमस डिसीजन था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, वो काफ़ी क्लियर थे। 3-4 बिंदुओं पे बिल्कुल क्लियर थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 239 डबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और LG की कोर्ट में दलील थी कि वो एक वहाँ फ्रेज यूज है इन सो फार एज अप्लीकेबल, मतलब सर्विसेज जो है वो दिल्ली सरकार को अप्लीकेबल ही नहीं है और इसलिए दिल्ली सरकार दिल्ली में जो सिविल सर्वेंट सर्व करते हैं उनको ना कंट्रोल कर सकती है ना उनको डायरेक्शन दे सकती है। वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। उसको कहा कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली सरकार का जो जुरिसडिक्शन है वो जो भी लोग सर्व कर रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर उस पर एक्सटेंड करता है, सिर्फ जो एक्सेप्टेड इंट्रीज हैं जैसे पुलिस हो गई, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, उसमें जो लोग सर्विस कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें सर्विसेज जो हैं वो भी कंट्रोल में नहीं है। बाकी छोड़ करके पूरी की पूरी सर्विस जो है वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है। LG को जो चुनी ही सरकार है उसके एडवाइस, एड एंड एडवाइस पे जाना है। LG का कोई इंडिपेंडेंट पावर इस रिस्पेक्ट में नहीं है और जो भी हमने बहस की थी दिल्ली सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसकी तरफ से वो सारे पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का भी रिएक्शन सामने आया है, वो भी सुन लीजिए। जहां तक NCT का सवाल है, एक ऐसी सिचुएशन, और ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, कल कांग्रेस होगी, आज आप है, कल BJP होगी, आपने दिल्ली को ये स्वरूप दिया जिससे वहां स्वायत्व हो, यहां पर ऑटोनॉमी हो। आज स्वायत्त और दिल्ली की विजय है। दिल्ली के हर उस तरीके तौर तरीके से जिसमें केंद्र सरकार ने गलत रूप से हस्तक्षेप किया है उसको निरस्त किया गया है इस निर्णय द्वारा, और इसमें हर पक्ष में कोई सिंगल ऐसा पक्ष नहीं है। मुझे
सौभाग्य था इसका दलील करने का, और कोई हमारा ऐसा पक्ष नहीं है जिसको मना किया गया हो। मैं समझता हूं कि जो सर्विसेज हैं, जो यहां के काम हैं, अब बिना अवरुद्ध होने के, बिना उल्लंघन के, बिना विलंब के, बिना तूतू में आरोप प्रत्यारोप के जल्द होंगे, क्योंकि इसका फायदा है नागरिक दिल्ली का। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने फैसले के बाद केंद्र को जमकर घेरा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जीत का तोहफा दिया है। ये जीत दिल्ली के लोगों की तो जीत है ही, साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी देश भर में चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से हड़पने का जो मुहिम उन्होंने चला रखी थी, उस मुहिम पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा तमाचा है।